हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार वेलकम है। सो गाइस, आज आपको बताने वाला हूं कि टिकटॉक की वीडियो को वायरल कैसे करें और इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं कि आपके लोग जो वीडियो आप बनाते हैं टिकटॉक पर उसको बहुत लोग देख सकें। तो इसके बारे में मैं 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी टिकटॉक वीडियो वायरल जरूर होगी। सो वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा और मैं आपको हर एक एक टॉपिक बहुत डिटेल्स में अच्छे से बताऊंगा जैसे कि आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। मैंने एक डायरी पैड में कुछ 5 टॉपिक्स लिख के रखी हैं जिसको मैं एक एक करके बताऊंगा कि आपकी वीडियो वायरल कैसे करें। या आप बनाते बहुत मेहनत करते, लोग उसको देखते नहीं हैं, तो आप उसको जानिए क्यों नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि आप इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते जरूर हैं, आप अदर बैकग्राउंड लेते हैं, अच्छे सॉन्ग लेते हैं, अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे स्टाइल में रहते हैं, मतलब आप पूरी मेहनत लगा देते हैं उस वीडियो बनाने में, लेकिन तब भी लास्ट में वीडियो वायरल नहीं हो पाती है। अब इतनी मेहनत करें लेकिन आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा, इसके हम जानिए आपकी गलती क्या करते हैं, ऐसा आप क्या कर देते कि आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाती है और आप उसे लो आप परेशान हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, तो आप वीडियो बनी जरूर रहिए और देखते हैं टॉपिक क्या है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारी है टिकटॉक वीडियो को वायरल करने की ऑडियो रिटेंशन। ये ऑडियो रिटेंशन होता क्या है, जैसे ही आप यूट्यूब अगर यूज़ करते हैं तो आपको मैं बता दूँ, आपको पता होगा, अगर नहीं यूज़ करते बता दूँ ऑडियो रिटेंशन होता क्या है। सपोज आप मान लीजिए एक वीडियो बनाते हैं 20 सेकंड की है, तो उस पर अगर वीडियो आपके 20 सेकंड की आप वायरल कर देते हैं तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली उसका सिस्टम है कि वो आपकी वीडियो को 5 लोग तक पहुंचाएगा। लेकिन वो 5 लोग तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा वायरल कैसे हो, तो वायरल होती कैसी है, आप उस वीडियो को बनाते हैं 20 सेकंड की है तो उसमें वो 5 लोग जो देखते हैं उसे कम से कम वो 10 सेकंड जरूर देखें, मतलब 50% वो उसका वॉच टाइम होना चाहिए। अगर आपकी वीडियो 20 सेकंड की जो 5 लोग तक टिकटॉक आपकी वीडियो को पहुँचाती है उसको 50 सेकंड तक 5 लोग देखें जरूर, मतलब 10 सेकंड जरूर देखें। इससे होगा क्या कि आपकी वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन 50% आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा देख लेते हैं तो आपकी वीडियो वायरल होने की ज़्यादा चांस हो जाती है। अगर वो लोग आपकी वीडियो को 50% या 50% ज़्यादा देख लेते हैं तो आपकी वीडियो धीरे धीरे वायरल होगी। वायरल होगी कैसे, 5 लोग आपकी वीडियो देख लिए तो उसके बाद वो 10 लोग पे और पहुँचेगी, वो 10 लोग 50% ज़्यादा देख लेते फिर और आगे पहुँचे, फिर और आगे पहुँचे, फिर और आगे पहुँचे, ऐसे पहुँचते पहुँचते आपकी वीडियो वो 3-4 दिन में वायरल हो जाती है। आपको लगे कि हमारी वीडियो वायरल कैसे हो गई, तो ये वायरल वीडियो वैसे ही होती है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कभी वीडियो बनाएं तो वीडियो को इतना अच्छा तरीके से बनाएं कि आपकी वीडियो वायरल होने के चांस पूरे रहे और ऑडियंस रिटेंशन आपका बना रहे, मतलब कि आपके जो भी वीडियोस लोग देखते हैं, जो भी आपके कस्टमर्स आते हैं, जो भी पब्लिक आपको देखती है, जो भी आपके फैंस आपको देखते हैं, या वीडियो जो भी वॉच कर रहे हैं वो आपके वीडियो को देखे, वो स्किप करके कहीं हटाना दे, दूसरी वीडियो ना देखे, मतलब आपको वीडियो में ऐसा ट्रेंड रखना है, ऐसी टॉपिक रखनी है, ऐसे स्टाइल आपको बनानी है कि आपकी वीडियो आपकी पब्लिक को रोक करके रखे, कि आपकी पब्लिक जाने ना पाए। तो आपको वीडियो ऐसे बनानी है कि आपकी वीडियो में ऑडियो रिटेंशन अच्छा आ सके। तो हमारी फर्स्ट टॉपिक हो गई, अब देखते हैं दूसरी टॉपिक हमारी क्या है। अब दूसरी टॉपिक हमारी है न्यू सॉन्ग। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो जो भी सॉन्ग है उस पर बना देते हैं, या कोई भी सॉन्ग उनको अच्छा लगा उस पर बना देते हैं। आप ऐसा मत करिए, आप सर्च करिए कौन सा सॉन्ग अभी नया आया है, जो भी न्यू सॉन्ग आए हैं जो लोग पब्लिक को बहुत पसंद कर रही है, या ऐसे सॉन्ग हैं जो अभी नया नया आया है, क्योंकि नया सॉन्ग आएगा तो आप उस पर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो नया सॉन्ग किसी ने यूज़ नहीं किया, वो तुरंत ही आया और सबसे पहला वीडियो टिकटॉक पे आपके उस सॉन्ग में बनी है और वीडियो आपने उसको सेंड करी है, तो ऑडियो रिटेंशन अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगा, क्योंकि वो वीडियो सॉन्ग नया है, किसी ने सुना नहीं है, तो जब नया नया सॉन्ग रहेगा, किसी ने सुना नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सॉन्ग को पूरा सुनेंगे और जिस सुनेंगे और वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो वीडियो में ऑडियो रिटेंशन बन जाएगा और वॉच टाइम आपका पूरा हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो आप हमेशा ये करा करिए कि आप कोई भी सॉन्ग बनाते हैं तो नया सॉन्ग रखिए, जो नया सॉन्ग आने वाला है, नया सॉन्ग आ गया तो उसके बारे में पता करिए कौन सा नया सॉन्ग आने वाला है, उस पर आप बनाइए हमेशा। इसलिए पब्लिक आपके उस सॉन्ग पर रुकी रहेगी, और सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक को पसंद आ सके। जैसे आजकल कॉमेडी सॉन्ग बहुत चलते हैं, फनी सॉन्ग बहुत चलते हैं, ये जो लोग बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत सारे लोग जो सॉन्ग बना चुके हैं उस पर आप वीडियो बनाइए, लेकिन कुछ उनसे हट के बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉन्ग आपका नया सॉन्ग है, भोजपुरी सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, बिहारी सॉन्ग है, या कोई भी अच्छा सॉन्ग है जिस पर लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल जरूर हो रही है, आप भी उस सॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग ट्रेंड रखिए, कुछ अलग टॉपिक आपका कुछ अलग रखिए, कुछ उनसे नया करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, वो भी वीडियो आपकी वायरल होगी, लेकिन आप कुछ उसमें नया करिए, ये नहीं कि आप कुछ उसमें उन्हीं की तरह आप कुछ दिखा दे, आप कुछ नया करिए, आपकी वीडियो वायरल जरूर होगी। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। अब देखते हैं हमारे थर्ड टॉपिक क्या है। थर्ड टॉपिक हमारी ये है कि आप कभी वीडियो बनाते बहुत मेहनत कर डालते लेकिन आप अपने बैकग्राउंड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब आप सोचते हैं मैं बैकग्राउंड कैसे अच्छा रखूं, क्योंकि मैं कहीं जाऊंगा तो लोग देखेंगे हमें, तो लोग देखेंगे और लोग कहेंगे या क्या करेंगे या क्या आपको कहेंगे, उसके पीछे मत पड़िए। आपके वीडियो जैसी है, वीडियो का साउंड जैसा है, आपको खुद ही पता चल जाए कि हमारा सॉन्ग ऐसा है, इस सॉन्ग के लिए हमको ऐसा बैकग्राउंड चाहिए। अगर आपको लगता है उस सॉन्ग, उस टॉपिक, उस एक्ट के लिए आपके घर में कहीं पर ऐसा
प्लेस जहाँ वीडियो बना सकते हैं तो आप मोस्टली बनाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर आउटिंग प्लेस में, कहीं अदर प्लेस में, कहीं पर एक्सटर्नल प्लेस में आप जाकर वीडियो बनाना आपको जरूर लगता है तो आप बनाइए वहाँ जाकर के। बस दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, आप शर्माइए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वीडियो बना तो सकता हूँ बाहर जाकर, लेकिन बहुत सारे लोग देखेंगे तो मुझे बहुत शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट फील होगा, मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे उसके पीछे बहुत पड़ी। आज वही लोग हैं जो आपको कुछ कहेंगे, आप उनसे शर्माएंगे, जब आप फेमस हो जाएंगे आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी ना, वही लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, आपके फ़ैन बन जाएंगे। तो आप उनको अपने लिए फ़ैन बनाइए कि वो आपको पसंद करे। तो आप इसलिए अपना बैकग्राउंड अच्छा रखिए, वीडियो कैसे एडिट करिए कि ऑटोमेटिकली लोग आपको पसंद करना शुरू कर दें। आपका लुक्स लाइक उसमें मायने बात नहीं रखता है, आपका एक्ट मायने रखता है, आप उसमें क्या दिखाना चाहते हो। अगर 20 सेकंड की वीडियो है तो उसमें आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, पब्लिक आपको क्यों पसंद करे, आपकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड हमारा मोस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देखते नहीं है कि गाँव के लोग गाँव में बैकग्राउंड बनाते हैं या अदर कहीं बनाते हैं, तो बैकग्राउंड अच्छा होता ठीक है, लेकिन उनकी टॉपिक बहुत अच्छी रहती है ना, टॉपिक अच्छा, उनका ट्रेंड अच्छा है, जो भी नया चल रहा है लोग आपको पसंद करें, बैकग्राउंड आपकी अच्छी होगी तो और अच्छा चलेगा आपका, या आपके कैमरा अच्छा, आप उसको ब्लर कर सकते हैं बैकग्राउंड को। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो वीडियो बनाते हैं आप दिख रहे हैं, लेकिन उसका आपका पीछे का एरिया बहुत अच्छा दिखना चाहिए, जिससे आपकी वीडियो वायरल होने की टॉपिक अच्छा चल सकता है। तो हमारी ये 3rd टिप हो गई, अब चलते 4th टिप की तरफ। 4th टिप हमारा क्या देख लेते हैं। 4th टिप हमारा यह है, ये है कि आप वीडियो बनाकर वीडियो को शेयर जरूर कर देते हैं, लेकिन शेयर करने से पहले आप वीडियो के आप क्या बारे में, आपकी वीडियो जो बनी है उसके बारे में क्या अंदर आप दिए हैं उसको शॉर्ट वर्ड्स में आप लिख दीजिए, और उसके शॉर्ट वर्ड्स में आप शॉर्ट वर्ड में हैशटैग लिख दीजिए। हैशटैग से होता है कि आपकी वीडियो जल्दी वायरल होती है। अब हैशटैग आपको मिलेगा कहाँ, आप सर्चिंग लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बनाया करते हैं, आपके में खुद टिकटॉक की तरफ से मैसेज आएगा कि हमारा नया हैशटैग है, आप अपनी वीडियो में ये हैशटैग यूज़ करिए, आपकी वीडियो जल्दी वायरल होगी। सबसे अच्छा आपको ये चांस है कि आप अपने वीडियो में उस हैशटैग को यूज़ करिए जो अपकमिंग आपको मैसेज आया है, जो ट्रेंडिंग में जो हमारा वीडियो चल रहा है उसमें हैशटैग देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर सेंड कर देते हैं जिनके मिलियन मिलियंस व्यू आते हैं, तो उनके वीडियो और नीचे देख सकते हैं कुछ टाइटल लिखे होते हैं जिसमें हैशटैग लिखा रहता है, आप उसी हैशटैग को यूज़ करिए। आप मोस्टली बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 हैशटैग लिखिए, कुछ स्माइली लगा दीजिए, जिससे कि आपको नीचे टाइटल देखने में बहुत अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि आपकी वीडियो जब नीचे हैशटैग में अट्रैक्टिव होगी तो वीडियो आपकी जरूर वायरल होगी, लोगों को पसंद करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो में हमेशा हैशटैग लगाइए, कुछ यूनिक करिए, कुछ नया क्रिएट करिए, जिससे कि पब्लिक आपके पास रहे और आपकी वीडियो बिल्कुल भी वायरल हो सके, पब्लिक आपको स्किप करके जाए नहीं, आपका कॉमेडी फैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए आप हैशटैग जरूर लगाएं। हैशटैग से मोस्टली वीडियो वायरल होती है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। तो 4th टॉपिक हमारी हो गई, अब देखते हैं हमारी 5th टॉपिक क्या है। 5th टॉपिक ये है कि यह है भी और बहुत लोग पूछते भी हैं कि मुझे एक दिन में टिकटॉक पे कितनी वीडियो बना सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप एक दिन में एक वीडियो डाल सकते हैं, एक दिन में आप 500 वीडियो डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितने वीडियो उसमें सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे एक ही ड्रेस में 5-6 वीडियो सेंड कर सकते हैं, आप एक ड्रेस में 50 वीडियो बना दीजिए, लेकिन हर वीडियो का कैटेगरी अलग होनी चाहिए, बैकग्राउंड अलग होना चाहिए, म्यूजिक अलग होना चाहिए, जो आपके साथ ग्रुप में बना रहे वो लोग अलग होने चाहिए। मान लीजिए आप एक ने ड्रेस पहना, आपने एक कपड़े पहने हैं और उसमें उस कपड़े में आपने 4-5 वीडियो बना दी, तो एक ही प्लेस से बनाई है ना, ये एक लड़के के साथ बनाई है, एक लड़के के साथ बनाई है, या एक ग्रुप में ही बनाई है, तो आप एक वीडियो को 3-4 तरीके का रखिए, लेकिन आप उस ड्रेसिंग में रहिए, लेकिन अदर आप प्लीज़ अपना बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, म्यूजिक चेंज कर दीजिए, कहने का मतलब आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, या ट्रेंडिंग टॉपिक आप ले लीजिए, तो मतलब आप वीडियो काफ़ी बना के शेयर कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो वायरल होगी। तो टिकटॉक पर वीडियो वायरल कैसे करते हैं, ये हमारी 5th टॉपिक आज की हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नया है वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब पर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर ऐसे नए नए टॉपिक्स के वीडियो लाया करता हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल बंद कीजिए। तो आपसे मिलते हैं नए वीडियो में।